सर 26 तारीख को रैली होने जा रही है जसिया में, और वहाँ पे चौधरी छोटराम के नाम से भी एक संस्थान का नाम रखा जाना है। कई राजनीतिक लोग उस पर बैकफुट पे आ गए, क्या आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे? पता नहीं, राजनीतिक लोगों से तो आप सबसे पूछो, जो बैकफुट पे आए हैं उनसे पूछो कि आप बैकफुट पे हो या फॉरवर्ड खेल रहे हो। वो तो राजनीतिक, मेरा राजनीति का इतना लंबा अनुभव है कि मैं ये समझता हूँ कि राजनीति को हमें वोट की निगाह से ऐसे प्रोग्राम को नहीं देखना चाहिए जो समाज की भलाई के लिए हों और जिनसे हम अपनी युवा पीढ़ी को कोई प्रेरणा दे सकें, कोई भी समाज हो, और जो समाज को जोड़ने की बात जहाँ हो, और जो हरियाणा की संस्कृति सभ्यता है उसमें और मजबूती लेके आने की जो बात हो, उसके लिए सभी समाज के वर्गों को कोई ना कोई इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। जो आप पूछना चाहते हो उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मोदी जी की कैबिनेट का मंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक मेरा अपना एक स्थान है, मैं अपने नेताओं से भी बात कर रहा हूँ, और मैं इस जो ये जो जमावड़ा है जिसमें लाखों लोगों के, और सिर्फ हरियाणा के नहीं दूसरे प्रांतों से भी शामिल होने की बात है, मैं इसका समर्थक हूँ, और इस काम के लिए कि हमारा समाज जुड़े, समाज टूटे ना, उस पर जो भी जहाँ भी होगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। सबका साथ सबका विकास आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी जी ने उसे फलीभूत करके दिखाया है, और जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, पहली सरकार थी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी के आधार पर और तमाम एजेंडे के आधार पर उनकी योजनाएं बनती थी, लेकिन हमारी सारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास के आधार पर बनी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि निश्चित रूप से विकास के एजेंडे के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, मामला माननीय न्यायालय में है और निश्चित रूप से वो हमारी आस्था का विषय है। आस्था का विषय जरूर है, मगर ये आस्था चुनावों के समय ही क्यों निकल जाती है? लगातार आस्था हमेशा रहती है, आस्था एक दिन की नहीं होती, आस्था एक साल की नहीं होती, बचपन से जब पैदा होते हैं तब से राम राम बोलते हैं और अंतिम समय तक राम का नाम जवान पर रहता है। आस्था परमानेंट है, आस्था कोई टेम्परेरी नहीं। मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था पर जितनी तेजी के साथ इस सरकार ने काम किया है, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई 15 साल की कानून व्यवस्था सुधरी है, और उसका परिणाम भी है कि जैसे पहले अपराधियों को देखा जाता था कि थाने बैठ करके अपराधी चलाते थे, जाति के आधार पर पोस्टिंग होती थी, अब पुलिस का मनोबल उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, तमाम इनामी अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं, बहुत सारे इनामी अपराधी जेल गए हैं, और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनेगी। सरेआम 4 लोगों को गोलियों से मार दिया जाता है और फिर भी कोई आपके बीजेपी नहीं देता है। नहीं, निश्चित रूप से जो भी दोषी है कठोर कार्रवाई उन्हें होगी और जांच चल रही है, पुलिस बहुत तेजी से अपना काम। सभी पार्टियों के कद्दावर नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर अम्बेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रंजना पांडे के समर्थन में रोड शो किया। राज बब्बर ने रोड शो के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST से किसानों और व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ, देश में 4 लाख से ऊपर नौकरियां खत्म हो गई। आज जो है 4.5 लाख नौकरियां खत्म हो गई इस देश के अंदर, और ये चीजें मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी पूरी तरीके से अंधों की तरीके से इस देश को बिल्कुल गर्क में डालने के लिए तैयार बैठी है, और ये चुनाव जो है निकाय चुनाव जो है ये जरूरतमंदों का चुनाव है, ये जमीन का चुनाव है। जमीन के लोग इस चुनाव में बीजेपी को उसका हश्र बताएंगे कि उन्होंने जिस तरह से इन लोगों के साथ में जो हालात किए हैं, उस हालात का जवाब इस निकाय। राज बब्बर ने साथ ही निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि राज बब्बर के दावे में कितना दम है।